सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं। ये सभी सीटें भाजपा और सपा के लिए काफी महत्वपूर्ण तो हैं ही, साथ ही दोनों पार्टियों की प्रतिष्ठा से भी जुड़ गई है। जब भाजपा इन सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज करना चाहेगी तो वहीं अखिलेश यादव जो हैं वो भी इन सीटों पर अपनी पार्टी की जीत का परचम लहराना चाहेंगे। अब बात यह है कि अखिलेश यादव अपने परिवार वालों को भी टिकट देंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बात करें तो इन सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट करहल है। यहाँ से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक जो है वो चुने गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब अखिलेश यादव अपनी करहल सीट से परिवार के ही किसी सदस्य को टिकट दे सकते हैं और माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहाँ से विधानसभा का उपचुनाव जो है वो लड़ा सकते हैं। मतलब अपने भतीजे को जो है वो चुनावी मैदान में जो है तेज प्रताप यादव को उतार सकते हैं। जी हाँ, बात करें तो तेज प्रताप ही क्यों, तेज प्रताप यादव की बात करें तो मैनपुरी से लोकसभा सांसद और सैफई ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। राजनीति की उन्हें अच्छी समझ है। अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को करहल सीट से चुनाव लड़ाकर इस सीट को अपने परिवार में ही रखना चाहेंगे। मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद डिंपल यादव का सारा काम तेज प्रताप यादव ही देखते हैं। करहल सीट यादव परिवार की हम सीट मानी जाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव यहां से विधायक चुने गए थे। अब अखिलेश यादव की यह कोशिश होगी कि इस सीट पर घर के ही किसी सदस्य को चुनाव लड़ाया जाए और इस तरह से ये सीट परिवार में ही रह जाए। सबसे अधिक यादव मतदाता हैं। जी हाँ, करहल विधानसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे अधिक यादव मतदाता हैं जो निर्णायक भूमिका में हैं। सपा यहाँ से लगातार कई बार से चुनाव जीतती आ रही है। करहल की सीट पर सपा हमेशा से मजबूत रही है। भाजपा के लिए इस बार का उपचुनाव जीतना भी आसान नहीं होगा। सपा अगर तेज प्रताप यादव को यहाँ से उम्मीदवार बनाती है तो भाजपा की राह मुश्किल हो सकती है। अब तो समय ही बताएगा कि करहल सीट पर किसकी जीत होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार मनाया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने परिवार के ही किसी सदस्य को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं, तो उस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।